बुलंदशहर से बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की अगुवाई में किसानों ने ट्यूबवेल से उखाड़े बिजली के मीटर। सैकड़ों की तादाद में ट्यूबवेल से उखाड़े गए बिजली के मीटर। ट्यूबवेल से उखाड़े गए बिजली के मीटर्स को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पावर कारपोरेशन के अफसरों को सौंपे। पावर कारपोरेशन ने किसानों को ट्यूबवेल्स पर लगाए थे बिजली के मीटर। ट्यूबवेल्स पर बिजली के मीटर्स का किसान कर रहे हैं लंबे समय से विरोध। किसानों ने अभियान चलाकर ट्यूबवेल से उखाड़ दिए बिजली के मीटर। अब तक किसानों के पास आता था फिक्स बिजली का बिल, किसानों का आरोप, मीटर तोड़ देंगे किसानों की आर्थिक रीढ़। किसानों ने पावर जेई और एसडीओ को भी बनाया बंधक। आश्वासन के बाद अफसरों को किया गया बंधन मुक्त। बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र के गाँव जाडौल का मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर शैलेंद्र आर्य, मैं जिला दक्षिण भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक युवा। अच्छा, का शैलेंद्र जी ये बताइए, आप आज आपने विद्युत उपकेंद्र जाड़ौल पर नलकूपों पर लगे मीटरों को उखाड़ करके जमा किया है, कितने मीटर हैं और क्या किस वजह से आपने इन मीटरों को उखाड़ा है? ये मीटर 100 मीटरों के लगभग हैं और इनको उखड़वाया गया है। इसलिए उखड़वाया गया है कि इन मीटरों से ज़्यादा बिल आ रहा है। जो फिक्स रेट होता था 884 रुपये, इनसे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। सरकार ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि हम किसानों को फ्री बिजली देंगे। सरकार पूर्ण बहुमत में आ गई, लेकिन सरकार ने फ्री बिजली नहीं दी, ऊपर से मीटर और लगा दिए। मीटर लगा के किसानों की कमर टूट हुई। अच्छा, यदि सरकार आपकी इन बातों को नहीं मानती है, अपनी मांग आपकी मांगों को नहीं मानती है, आगे की आपकी क्या रणनीति है? नहीं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी सरकार से बातचीत जारी है, जल्दी इसमें निर्णय होगा और फिक्स रेट ही पहले जैसे था वैसे ही लिया जाएगा।